कम ब्याज दरों पर लोन कराने का हवाला देकर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार कर गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने एक स्विफ्ट कार, 6 मोबाइल फोन व 65,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही शातिर हैं जो भोले भाले लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का गोरख धंधा चलाते थे। बुलंदशहर की स्वाट टीम व पहासू पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया गया है। बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह की माने तो पकड़े गए चारों शातिर फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को फंसाकर उनसे पैसा ठगते थे और ये काम ये लोग पिछले 2 वर्षों से करते आ रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के मोबाइल में कई नामी बैंकों के फर्जी दस्तावेज भी जमा थे। ये शातिर लोन दिलाने के नाम पर परेशान हाल लोगों को अपना निशाना बनाते थे। फिलहाल गिरफ्तार किए गए चारों शातिर ठगों को बुलंदशहर पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। देखिए, फर्जी फाइनेंस कंपनी बना के वेबसाइट तैयार करने वाला एक गैंग पकड़ा गया है, जिसके 4 सदस्य हैं, जिसमें एक सुनील चौहान पहासू थाना क्षेत्र का है और 2 रवि और सुबोध ठकुरा थाना अरनिया के हैं। और इनका तरीका जो काम करने का है कि एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट को ये कुछ राज्यों के लिए रिजर्व कर रखे हैं UP के बाहर की, जहां पर इनका ऐड चलता है। वेबसाइट लोग खोलते हैं तो झांसे में आ जाते हैं, लोन के लिए इनसे संपर्क करते हैं, प्रोसेसिंग फीस आज के नाम पे लोगों से लोन के अनुपात में पैसा अपने खाते में मंगवाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, फिर अपना फ़ोन बंद कर देते हैं। तो इस तरह से इनके द्वारा पिछले 2 वर्षों से ये फ्रॉड का कार्य किया जा रहा है। गुजरात में इन्होंने ढेर सारे इस तरह के क्राइम किए हैं और यहीं से रहते हुए किए हैं। इनके कब्जे से 65,000 रुपये की एक रिकवरी अभी की गई है। जब ये इसी तरह से कहीं से लोन पास कराने के नाम पे जो पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया था, तो जब वो पैसा निकाल रहे थे तो उसी समय इनको गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फ़ोन, ATM कार्ड, स्विफ्ट कार और 65,000 की नकदी, ये सब बरामद की गई है। बहुत शातिर गैंग है जो एक तरह का आप कह लें कि ठगी, साइबर क्राइम के सहारे ठगी करते हुए जीविकोपार्जन कर रहे हैं। हाँ, इनके पास से कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें जिसको आप देखें तो ये लोन पास होने का झांसा देते थे, भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से इस तरह से तैयार करते थे ताकि जो आवेदक है उसको विश्वास हो जाए कि ये बैंकिंग से जुड़े हुए लोग हैं और इस तरह भारतीय रिजर्व बैंक और इस तरह खातों में पैसे ट्रांसफ़र करने का इनका प्रोसेस था। तो ये एक कोई अप्रूवल लेटर है बैंक के लोन का, किसी महिला को इन्होंने लोन सेंक्शन किया है, गुजरात की है। तो इस तरह से बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्लान वे में 2 साल से काम कर रहे थे। स्थानीय पुलिस को कहीं से अभी सूचना प्राप्त हुई, उसके आधार पर इनके पीछे लोग लगे और फिर इनकी गिरफ्तारी बरामद भी की गई है, बिल्कुल जेल भेजा। मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा UP में इनकी वेबसाइट इस तरह से इन्होंने इसको योजित कर रखा था कि उत्तर प्रदेश में इनकी वेबसाइट न दिखाई पड़े ताकि ये लोगों की नज़र में पकड़ से दूर रहें। अन्य राज्यों में जो दूरस्थ राज्य हैं, गुजरात, आंध्र, महाराष्ट्र, वहाँ पर इनकी वेबसाइट खुलती थी और उसी के सहारे काम। Time24 न्यूज़ के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।